बिफोर सॉल्विंग एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस और अर्थमेटिक ऑपरेशंस वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट रिजल्ट अबाउट अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया लाइक ऑपरेंड ए एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर हियर एट द रेट मीन्स एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर मीन्स मे बी प्लस मे बी माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड सो ऑन हियर एट द रेट मे बी एनी टाइप ऑफ ऑपरेंड्स नेक्स्ट वन इन दैट केस जब इसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो एक्सप्रेशन के बाद प्रोड्यूस किया हुआ सम रिजल्ट्स लेकिन जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे के सारे रिजल्ट्स मेमोरी में इंटरप्रेट होंगे और मैनिपुलेट होंगे बेस्ड ऑन सम डेटा टाइप मीन्स जब रिजल्ट्स का वैल्यू मेमोरी में टेम्परेरी फॉर्म में असाइन होगा वैल्यू इवेल्युएट किस फॉर्म होगा बेस्ड ऑन सम डेटा टाइप्स जब भी कोई रिजल्ट प्रोड्यूस होगा तो रिजल्ट किस डेटा टाइप्स के फॉर्म में इवेल्युएट होगा इसके लिए मैंने कुछ रूल्स प्रोड्यूस किए सम गिवन रूल्स वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे जस्ट बेसिक टर्म्स क्या है अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक भी ऑपरेंड डबल है लॉन्ग डबल है देन रिजल्ट का टाइप क्या हुआ लॉन्ग डबल सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे लॉन्ग डबल इफ एनी एक्सप्रेशन हैविंग लॉन्ग डबल टाइप ऑफ ऑपरेंड एनी ऑपरेंड मे बी फर्स्ट ऑपरेंड और मे बी सेकेंड ऑपरेंड देन रिजल्ट इज ऑल्सो लॉन्ग डबल का साइज क्या होता है 10 bytes. तो इसके इसमें रिजल्ट कितने bytes में इंटरप्रेट हुआ 10 bytes. नेक्स्ट वन बट सपोज दैट एक्सप्रेशन में कोई भी ऑपरेंड लॉन्ग डबल टाइप का नहीं देन सेकेंड लेवल पर ट्राई करेंगे फोर चेकिंग फोर डबल टाइप इफ एनी एक्सप्रेशन हैविंग डबल टाइप ऑफ ऑपरेंड देन रिजल्ट इज ऑल्सो डबल अगर किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट डबल के फॉर्म में मैनिपुलेट हो रहा देन साइज कितना ऑक्यूपाई हुआ 8 bytes. सेम एज अगर लॉन्ग डबल और डबल में से किसी भी टाइप का ऑपरेंड फॉर्म नहीं हो रहा देन थर्ड लेवल पर चेक करेंगे फॉर फ्लोट इफ एनी एक्सप्रेशन हैविंग फ्लोट टाइप ऑफ ऑपरेंड देन रिजल्ट इज ऑल्सो फ्लोट देन साइज इज 4 bytes. बट सपोज दैट लॉन्ग डबल डबल और फ्लोट में से कोई भी टाइप ऑकर नहीं हुआ देन चेक करें फॉर लॉन्ग और वी कैन से लॉन्ग इंट बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स रिजल्ट भी किसमें आएगा लॉन्ग इंट अगर इन फोर में से कोई भी टाइप फाउंड नहीं हो रहा देन बाय डिफॉल्ट सभी एक्सप्रेशंस के रिजल्ट्स मैनिपुलेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इंटीजर डिफॉल्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन अगेन वन मोर टाइम्स रिपीटिंग अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक भी ऑपरेंड लॉन्ग डबल टाइप का देन रिजल्ट भी किस फॉर्म में आए रिजल्ट इज ऑल्सो लॉन्ग डबल बट सपोज दैट किसी मीन्स फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी ऑपरेंड लॉन्ग डबल टाइप का फाउंड नहीं हो रहा है सेकंड लेवल पर चेक करेंगे फोर डबल टाइप्स अगर एक भी ऑपरेंड डबल टाइप का फाउंड हो रहा है रिजल्ट इज ऑल्सो डबल अगर लॉन्ग डबल और डबल कोई भी टाइप फाउंड नहीं हो रहा है देन थर्ड लेवल पर अप्लाई करेंगे फॉर फ्लोट टाइप्स इफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग एनी ऑपरेंड इज फ्लोट देन रिजल्ट इज ऑल्सो फ्लोट बट सपोज दैट नाइदर लॉन्ग डबल इज फाउंड नॉर डबल इज फाउंड नॉर फ्लोट इज फाउंड देन फोर्थ लेवल पर चेक करें वी आर चेकिंग फॉर लॉन्ग टाइप्स इफ एनी एक्सप्रेशन हैविंग एनी ऑपरेंड इज लॉन्ग देन रिजल्ट इज ऑल्सो लॉन्ग नेक्स्ट अगर इनमें से फोर में से कोई भी टाइप फाउंड नहीं हो रहा देन फाइनली अप्लाई करेंगे फॉर इंटीजर देन बाई डिफॉल्ट सभी एक्सप्रेशन का टाइप क्या हुआ इंटीजर टाइप्स अगर फर्स्ट ऑपरेंड अगर एक भी ऑपरेंड लॉन्ग डबल है और सेकेंड ऑपरेंड फ्लोट है देन रिजल्ट किसमें आएगा इनमें से हायर रेंज किसका है लॉन्ग डबल रिजल्ट इज ऑल्सो लॉन्ग डबल इसे इस कन्वेंशन के बेस पर सारे सारे एग्जाम्पल मैंने लिस्ट आउट किए जैसे फर्स्ट केस हेयर एट द रेट मे बी एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर मे बी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन सभी केस में सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे अगर एक्सप्रेशन के अंदर फर्स्ट ऑप एक भी ऑपरेंड फर्स्ट ऑपरेंड कैसा कैरेक्टर और सेकेंड ऑपरेंड भी कैसा है कैरेक्टर हेयर वी आर लिस्टिंग अबाउट डेटा टाइप ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड एंड सेकेंड ऑपरेंड अगर एक्सप्रेशन के अंदर दोनों ही ऑपरेंड कैरेक्टर हैं चेक इट अप्लाइंग दैट रूल्स इसे एक्सप्रेशन में कहीं भी लॉन्ग डबल टाइप फाउंड हो रहा है क्या नॉट फाउंड देन सेकंड लेवल पर चेक करें फॉर डबल टाइप इज फाउंड नॉट फाउंड देन फ्लोट देन लॉन्ग देन इंटीजर इनमें से कोई भी टाइप फाउंड नहीं हो रहा देन डिफॉल्ट टाइप क्या हुआ इस केस में इंटीजर टाइप इस केस में एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर सेम एज सेकंड केस में हायर लेवल किसका है इंटीजर का तो रिजल्ट भी किस फॉर्म में आएगा इंटीजर बिकॉज इसके इसमें ना ही लॉन्ग डबल फाउंड हुआ ना ही डबल फाउंड हुआ ना ही फ्लोट और लॉन्ग फाइनली रिजल्ट किस फॉर्म में होगा इन द फॉर्म ऑफ
इंटीजर। इस केस में इन दोनों में से हायर रेंज क्या है, हायर टाइप क्या है, लॉन्ग मीन्स फोर्थ लेवल, कौन सा लेवल मैच हो रहा है इस केस में, फोर्थ लेवल। तो इसलिए रिजल्ट भी किस फॉर्म है, रिजल्ट इज ऑल्सो लॉन्ग। हेयर अगर एक भी मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले कैरेक्टर है बाद में कैरेक्टर है, पहले फ्लूड है बाद में फ्लूड है, डजेंट मैटर। अगर एक भी ऑपरेंट फ्लूड है और नेक्स्ट ऑपरेंट डबल है, सॉरी कैरेक्टर है, इस केस में कौन सा रूल फेल हो रहा है, लॉन्ग डबल नॉट फाउंड, डबल इज नॉट फाउंड, थर्ड रूल कौन सा फाउंड हो रहा है, फ्लूड टाइप। इसलिए रिजल्ट भी किस फॉर्म में आएगा, रिजल्ट इज ऑल्सो फ्लूड। इन नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में हायर रेंज किसका है, मीन्स सबसे पहले लॉन्ग डबल सर्च किया नॉट फॉर्म, देन डबल, डबल इज एग्जिस्टिंग रिजल्ट इज ऑल्सो डबल। नेक्स्ट केस में रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, लॉन्ग डबल। सिमिलरली दोनों ही ऑपरेंड अगर इंटीजर है, ए रूल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, स्पेशली हाईलाइट करना है। अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर है देन रिजल्ट भी किस फॉर्म में आएगा, रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर। इंटीजर एंड कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी चेकआउट कर चुका है, इसलिए इसमें मैंने इंटीजर और कैरेक्टर को मेंशन नहीं किया है। देन इंटीजर और लॉन्ग के केस में हायर रेंज किसका है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। फोर्थ नंबर में क्या है, लॉन्ग, रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, रिजल्ट इज लॉन्ग। नेक्स्ट इंटीजर और फ्लोट के केस में रिजल्ट किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, फ्लोट। इंटीजर एंड डबल, डबल। इंटीजर एंड लॉन्ग डबल, रिजल्ट इज ऑल्सो लॉन्ग डबल। अगर दोनों ही ऑपरेंड लॉन्ग है देन रिजल्ट इज ऑल्सो लॉन्ग। नेक्स्ट वन, लॉन्ग और फ्लोट। लॉन्ग और फ्लोट में से सबसे पहले प्रायोरिटी किसमें है, फ्लोट। तो रिजल्ट भी किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। नेक्स्ट वन, लॉन्ग और डबल के केस में रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, डबल, देन लॉन्ग डबल। इन दैट केस फ्लोट और फ्लोट के केस में ऑल्सो फ्लोट, एनी वन ऑफ देम। देन फ्लोट और डबल के केस में रिजल्ट किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, डबल। अगर एक भी ऑपरेंड लॉन्ग डबल है देन प्रायोरिटी किस, फ्लोट और लॉन्ग डबल में पहले कौन फाउंड हो रहा है, लॉन्ग डबल, इसलिए प्रायोरिटी किसको मिलेगा, लॉन्ग डबल। रिजल्ट किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, लॉन्ग डबल। नेक्स्ट वन डबल, नेक्स्ट वन डबल और लॉन्ग डबल के केस में अगेन लॉन्ग डबल। अगर लॉन्ग डबल फाउंड हो रहा है देन ऑलवेज प्रायोरिटी किसको मिलेगा, लॉन्ग डबल। इस केस में दोनों ही ऑपरेंड कैसे, लॉन्ग डबल। दिस द कन्वेंशन अबाउट आइडेंटिफाइंग रिजल्ट ऑफ द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। स्वाटिता अगर आपके पास कोई गिवन एक्सप्रेशन अवेलेबल है देन फाइंड आउट करना इसका रिजल्ट किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे, देन इन कन्वेंशन को फॉलो करके रिजल्ट आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है। नोट डाउन दिस।